नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। ईआरसीपी परियोजना का बजट 9,500 करोड़ से बढ़ाकर किया 13,500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा 13 जिले होंगे लाभान्वित। राजस्थान लोक सेवा आयोग में माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड 10,096 पदों की नियमित डीपीसी का आयोजन। ये आयोग स्तर पर अब तक किसी भी पद और विभाग के लिए सबसे बड़ी डीपीसी। बजट को लेकर प्रदेश के युवाओं में नजर आ रहा उत्साह। सरकारी विभागों में बंपर भर्तियां सहित अन्य सौगातों के लिए जताया मुख्यमंत्री का आभार। भरतपुर के घाटमीका निवासी दो लोगों की हरियाणा में हत्या की मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भरतपुर के घाटमीका निवासी दो लोगों की हरियाणा में हत्या निंदनीय है। राजस्थान और हरियाणा पुलिस समन्वय बनाकर कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ब्यावर में नेशनल हाईवे 8 पर हुए हादसे को लेकर ट्वीट कर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यावर में एनएच 8 पर हुए हादसे में लोगों की मृत्यु और घायल होने की जानकारी दुखद है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की शक्ति दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट बहस में ईआरसीपी के मुद्दे पर कहा कि इस योजना से राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 9,500 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 13,500 करोड़ रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कई बार केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि हम इस योजना को बंद नहीं होने देंगे, राज्य सरकार के पैसे से इस योजना को चलाएंगे। जल समझौते के संबंध में राजस्थान मध्य प्रदेश अंतरराज्य नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक जो 25 अगस्त 2005 को हुई थी, जिसमें निर्णय किया गया राज्य किसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट से प्राप्त संपूर्ण पानी एवं दूसरे राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी का 10% प्रयोग कर योजना बना सकते हैं। इसके आधार पर योजना बनाई गई। मध्य प्रदेश अपना बांध बना लिया। इस योजना को पूरा करने में क्यों अड़चन पैदा की जा रही है, मेरी समझ पर है। तो क्या मुझे बताइए, आप लोग आप चाहेंगे 13 जिले का पानी जो है हमें आधा ही मिले? आप स्वीकार करोगे उसको? और स्वीकार करोगे तो किस बताइए जनता को क्यों स्वीकार करेंगे आप लोग? ये तो आंकड़े बताते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? कर्नाटक में ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 21,450 करोड़ है, उसे राज्य परियोजना का दर्जा देने की मांग की थी। वहाँ राज्य में राज्य दर्जा तो नहीं दिया, पर कम से कम 22-23 के बजट में आपकी सरकार ने 5,300 करोड़ उनको दिए। हम रख रहे 9,500 करोड़ रुपये, इस बार में बढ़ा के 13,500 कर दिए मैंने उसके लिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमने किसानों और पशुपालकों का हित सोचा है। उन्होंने बजट रिप्लाई के दौरान कहा कि हमने बजट में उन किसानों और पशुपालकों की मदद करने की घोषणा की है जिनके गोवंश की लंपी रोग से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रति गाय 40,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है, इससे पशुपालकों और किसानों को काफी राहत मिलेगी। हमने कहा हम उन गायों को, मरने वाली गायों को 40,000 गाय प्रति गाय पैसा देंगे। आगे भविष्य में 2 दुधारू पशुओं के लिए बीमा किया हम लोगों ने, आपको मालूम है बजट में 40,000 रुपये प्रति गाय देंगे हम लोग। है हिंदुस्तान में कहीं पर? हिंदुस्तान में है क्या कहीं पर? राजस्थान आज प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। जीडीपी के मामले में राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद देश भर में दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये तरक्की हमारी बेहतरीन योजनाओं के कारण हो सकी है। उन्होंने कहा कि हमने हर वर्ग के बारे में सोचा है। आज किसान हो या युवा हो या फिर व्यापारी, सभी के लिए बेहतरीन योजनाएं राज्य सरकार में चलाई जा रही हैं। साथ ही प्रदेश में औद्योगिक विकास भी तेजी से हुआ है। हम ऐसे नहीं आ गए, आज देश में नंबर 2 पे आए आर्थिक विकास दर पे। हम लोग ऐसे आ गए क्या? पूरा चिट्ठा मेरे पास में है, ऐसे नहीं आ गए। 11.04
आंध्र प्रदेश 11/4 और हम लोग 11/04 पे दूसरे नंबर पे आ गए। कैसे आ गए? ऐसे ही आ गए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस रूप में भारत सरकार ने जो दुख है कि किस प्रकार से इस अप्रोच से आने वाले वक्त में हम कैसे उम्मीद करें कि वो हमें किस प्रकार से पैरामीटर हमारे शानदार, हमने सोशल सिक्योरिटी, किसानों को छूट दिए बिजली के अंदर, उपभोक्ताओं को दिए, युवाओं के लिए कई स्कीम बनाई है, पेंशन 1 करोड़ लोगों के लगभग दे रहे हम लोग, पेंशन की राशि अभी मैंने बढ़ाई है, 9,000 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं। देश के कई राज्य इन दिनों गिरते हुए भूजल स्तर से जूझ रहे हैं। इसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। इन तालाबों में सिंचाई के लिए पानी को जमा किया जाता है, इससे किसानों को काफी फायदा भी हो रहा है। फार्म पॉन्ड पर अनुदान के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक होता है। इन फार्म पॉन्ड के बनने से खेतों में सिंचाई की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। लघु सीमांत कृषकों को भी, लघु सीमांत कृषकों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। किसानों पर लागत का भार कम करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड हेतु अनुदान राशि को 90,000 बढ़ाकर 1,20,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 105 करोड़ रुपये का है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड 10,096 पदों की नियमित DPC का आयोजन किया गया। ये आयोग स्तर पर अब तक किसी भी पद पर या विभाग के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी DPC है। आयोग सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित DPC बैठक में उपाचार्य और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2022-23 के 10,096 प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें से कुल 9,998 पदों पर समिति द्वारा चयन की अभिशंसा भी की गई है। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की DPC आयोजित की गई, जिसमें आयोग के स्तर पर अब तक होने वाली सबसे बड़ी DPC आज रही है और इसमें 10,096 पदों पर विचार किया गया, जिसमें से 9,998 को पात्र पाया गया और उन्हें इसके पात्र मानते हुए उनकी अनुशंसा की गई वाइस प्रिंसिपल के रूप में या समकक्ष पद पर पदोन्नत करने के लिए। अभी तक कभी भी विभाग, किसी भी विभाग की अब तक आयोग के स्तर पर कोई भी DPC डिले नहीं हुई है। तो हमारा प्रयास रहता है कि तत्परता से जो पात्र हैं उनको उनके पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जाए। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री डूंगर राम गेदर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। वो शुक्रवार को इंदिरा सर्कल पार्क सूरतगढ़ में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड और लाल बहादुर शिक्षा समिति की ओर से दस्तकारों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन समारोह में संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में इस बार का बजट युवाओं को समर्पित रहा। युवाओं के विकास के लिए भी कई प्रकार की बेहतरीन घोषणाएं इस बजट में मुख्यमंत्री ने की। बजट को लेकर युवा भी काफी उत्साहित हैं। बजट में सरकारी नौकरियों की घोषणा और मेगा जॉब फेयर जैसी घोषणाओं से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। युवाओं का कहना है कि ये बजट उनके सपनों को नई उड़ान देने वाला होगा। वैसे तो जो ये बजट आया है ये सबके लिए ही बहुत अच्छा आया है, लेकिन जो युवाओं के लिए ख़ास तौर पे 1,00,000 नई भर्तियां निकाली है। पूरा जो परिवार है युवाओं पर निर्भर रहता है, उनकी सरकारी नौकरी पर निर्भर रहता है, लेकिन 1,00,000 जो भर्ती निकली है, मुझे लगता है कि पूरा मतलब परिवार जो है अब कुशलतापूर्वक से अपना मतलब जीवन यापन कर सकेगा, अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकेगा। तो जो इतनी 1,00,000 भर्ती आई है ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी गहलोत सरकार ने निकाली है। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा इसके लिए। तो गहलोत जी है, जो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, जैसे विवेकानंद हॉस्टल खुल रहे हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर, लाइब्रेरी बना रहे हैं, यानी ऐसे तमाम युवाओं के लिए कई अवसर खोले हैं जो बहुत ही बड़ा बढ़िया और अच्छा है। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।